तो मैं आज उनको यहाँ पर नमाज पढ़ाने के लिए उनको कहा मैं, तो वो आकर जो है यहाँ पर इमामत करें, जोहर की नमाज अदा हुई और दुआएं करें, क्योंकि हिंदुस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए, अमन वमान के लिए और पूरा पीसफुल रहना बोल के जो हैदराबाद और पूरे इंडिया, तेलंगाना और हुकूमतों के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला यहाँ पर पीसफुल हुकूमतें चलना है और कोई ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं होना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई बोल के दुआ भी हुई, पूरे लोग अच्छे रहना बोल के, सेहत और ईमान की ताकत से रहना है बोल के, और उन्होंने फिर अभी यहाँ से कहीं और जगह गए हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं उन्होंने यहाँ पर जो है जो नमाज की अदायगी जो करे, मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ मस्जिद इमाम अक्सा का, क्योंकि क़िबले अव्वल है, क्योंकि तीन जगह नियत करके जा सकते हैं अपन, मस्जिद हरम काबे शरीफ को और मस्जिद नबी भी और मस्जिद अक्सा, यहाँ पर तीन जगह अपन नियत करके जा सकते हैं कभी भी, और ये बहुत बड़ी बात है वहाँ के इमाम बोले तो सारा गांव पे हमारे लिए, और उनका कितना भी एहतराम करे कम है इमाम साहब का। और वहाँ पर भी जो परेशानी है फलस्तीन वगैरह में भी, मैं भी पूरे हुकूमतों से मेरी अपील है कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी हो सकता है ताउन करने के लिए वहाँ की आवाम के लिए, जो आज गरीब और बहुत परेशान है वहाँ पर, तो मेरी पूरी दुनिया के हुकूमतों से मेरी अपील है वर्ल्ड वाइड के सब लोग मिलकर खाने पीने के लिए वो लोगों को सपोर्ट करिए, वो लोगों को जो है जो मदद कर सकते हैं, पूरी दुनिया की हुकूमतों से मेरी अपील है, इंडिया से भी, ऑल ओवर वर्ल्ड से, कि आप लोग सपोर्ट करिए, वहाँ की आवाम बहुत परेशान है, रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम और कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि कानून हमारा हिंदुस्तान का जो कानून है उसको हम ओटेक नहीं कर सकते, कानून के दायरे में रखते हुए हम हर चीज बोल रहे हैं कि रिक्वेस्ट है हमारी कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए वहाँ की आवाम के लिए। जी बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह का करम है कि तशरीफ लाए हुए है हैदराबाद, टूरिज्म वीजे पे आए हुए हैं वो, टूरिस्ट वीजे पे, और पार्क कॉन्टिनेंटल होटल में खयाम है उनका। ये मस्जिद का, मंदिर का, चर्च का अपने अपने जो है ना एहतराम करना चाहिए, और ये जो हुआ है बहुत गलत है, सब मिलकर इसको कंडम करना चाहिए, और हुकूमतों से भी मेरी अपील है कि फिरके वाराना ऐसी चीज़ा नहीं होना चाहिए, पीसफुल इंडिया हमारा पीसफुल रहना चाहिए, कोई हिंदू कोई मुस्लिम लड़ता नहीं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई बोल के हम लोग रहते हैं सब लोग यहाँ पर, और वैसे रहना चाहिए, ये कोई जो भी कर रहा है शरणग्रजी उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। क्या आप जानते हैं हर ठंडी दिखने वाली चीज आइसक्रीम नहीं होती? आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट में बहुत फर्क होता है। फ्रोजन डेजर्ट को बनाने के लिए वेजिटेबल ऑयल और वनस्पति का इस्तेमाल किया जाता है, और आइसक्रीम को बनाने के लिए रियल मिल्क का इस्तेमाल किया जाता है। रियल मिल्क आइसक्रीम मतलब अमूल आइसक्रीम। क्या आप चाहते हैं कि आपके पार्टी और फंक्शन में आपके मेहमान सिर्फ अमूल आइसक्रीम ही खाएं? यहाँ आप एक दुकानदार हैं और आप अपने कस्टमर्स को अमूल आइसक्रीम सेल करना चाहते हैं, तो चले आए यू नीड इंटरप्राइजेस, साउथ इंडिया का सबसे बड़ा अमूल आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूटर। 1,000 हो या 1,00,000, हम हैं आपकी खिदमत और दावत के लिए हमेशा तैयार। आज ही तशरीफ लाए यू नीड इंटरप्राइजेस बिसाइड लाइफलाइन हॉस्पिटल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमाल जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल,
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजवी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D, डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तियाब है। आपकी उम्मीदों के अहम मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।